हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आकाश सिंह बायोलॉजी ट्यूटोरियल। तो आज हम बात करने वाले हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो पिछले लेक्चर में, मतलब पिछला जो भी वीडियोस था उसमें मैंने कंप्लीट कर लिया था पूरा डाइजेशन। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो पिछला जो भी एक दो वीडियोज है मैं आपको वहाँ पे डाल दूंगा, डाइजेशन, इवन डाइजेशन के सारे वीडियोज डाल दूंगा, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, डाइजेशन ऑफ फैट और डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो इनके सारे के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप जाके वहां पे देख सकते हैं। अभी मैं बात करने वाला हूँ एब्जॉर्प्शन के बारे में। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट के बारे में अगर मैं आपसे डिस्कस करूँ तो देखें, सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ कि एब्जॉर्प्शन कैसे होगा और एब्जॉर्प्शन का एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो देखो, एब्जॉर्प्शन का एक्चुअल मीनिंग क्या है कि कोई भी चीज है, राइट ना, देखो सबसे पहले उसका डाइजेशन हो गया, सब कुछ कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो गया तो उसका सिंपल फॉर्म मिल गया अपन को। सिंपल फॉर्म क्या है जानते हैं, फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज हो गया सिंपल फॉर्म में, राइट ना, फ्रक्टोज हो गया सिंपल फॉर्म में, गैलेक्टोज हो गया सिंपल फॉर्म, मतलब इसका डाइजेशन हो चुका है, मोस्ट ऑफ द डाइजेशन कंप्लीटेड इन ड्यूडेनम, ओके, ये आपको याद रखना। मगर साथ ही साथ में बात करूं तो अब इसके एब्जॉर्प्शन की बात होगी। तो एब्जॉर्प्शन कहां पे होगा, एब्जॉर्प्शन होता है इलियम में। तो सपोज करो दिस वन इज द ड्यूडेनम एंड दिस वन इज द इलियम, तो यहां पे अगर देखें, यहां पे डाइजेशन कंप्लीट हो गया। अब ये डाइजेशन कंप्लीट हो गया तो अब वो फूड कहां पे आएगा, फूड आएगा इलियम में और इलियम में इसका एब्जॉर्प्शन शुरू होगा। तो सवाल उठता है कि एब्जॉर्प्शन क्या है। एब्जॉर्प्शन को समझाने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा एक चीज कि देखो होता क्या है कि फूड जब डाइजेस्ट हो गया, अब वो इतने छोटे पार्टिकल्स में टूट चुका है, ठीक है, कि वो अब कहां पे जाएगा, ब्लड में, और ब्लड में जाके एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो ब्लड में जाना, ब्लड तक जाके एब्जॉर्ब हो जाना, वो कहलाता है कि एब्जॉर्प्शन, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ब्लड में चला गया मतलब क्या हो गया, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो गया। अब वो आगे एब्जॉर्ब फॉर्म ऑफ फूड हो जाएगा, अब वो कहां पे जाएगा, ब्लड के थ्रू जाएगा टिश्यू पे, और टिश्यू के उस पर्टिकुलर फूड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और क्या बन जाएगा, एटीपी, और उस एटीपी को हमारी बॉडी यूटिलाइज कर लेगी, ओके। तो अब हम बात करने वाले हैं कि कैसे होता है एब्जॉर्प्शन। तो आज हम जो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट पढ़ने वाले हैं। अगर आप कार्बोहाइड्रेट समझ गए तो आप क्या पढ़ेंगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन, क्यों कैसे वो समझाता हूँ, ठीक है। तो आप जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं या देख चुके होंगे, राइट, कि मैंने सिर्फ और सिर्फ उस पर लिख रखा है, वहां पे लिखा है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन डाइजेशन, मगर यहाँ पे जो हेडिंग डाली है, यहाँ पे हेडिंग डाली क्या, कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन। तो कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ प्रोटीन भी है, बाद में आपको बता देता हूँ, ओके, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट। अब देखो ये वाला पार्ट जो है, मैंने जैसा कि बताया कि एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, एब्जॉर्प्शन हमेशा होगा इलियम में। तो ये पूरा पार्ट कौन है, इलियम, और ये वाला पार्ट इलियम का ल्यूमेन है। तो सपोज करो कैसा, सपोज ये एलिमेंट्री कैनाल है, ये आपको दिख रहा है, और ये एलिमेंट्री कैनाल का ये वाला पार्ट, ये जो ये स्पेस जो है, ये क्या है, ल्यूमेन। तो ये देखो ये ल्यूमेन हो गया, अब इस ल्यूमेन में क्या रहेगा, फूड। तो ये खाली जगह, ये खाली जगह क्या होगी, ये है ल्यूमेन, ओके, ये आपको याद रखना है। तो दिस खाली जगह इज व्हाट, ल्यूमेन। और ये कौन है, ये है माइक्रोविले। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताया था चार लेयर होती है इसमें, राइट, अपने एलिमेंट्री के नाम में, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस और सेरोसा। तो ये सबसे अंदर वाली लेयर कौन सी होगी, म्यूकोसा, और म्यूकोसा का ये कौन है, ये है माइक्रोविले, ओके। तो सही बात है कि फूड कहाँ पे आएंगे, जो डाइजेस्टेड फॉर्म ऑफ फूड है वो, सपोज करो ये ऊपर, ऐसा मान लो यहाँ पे मैंने बना दिया, ये क्या है, ड्यूडेनम। तो ड्यूडेनम से फूड कहाँ पे आएंगे, सारे फूड डाइजेस्टेड है, ठीक है, सारे फूड कैसे है, डाइजेस्टेड। तो ये डाइजेस्टेड फॉर्म ऑफ फूड जो है, यहाँ से कहाँ आ जाएंगे, ये आ जाएंगे इलियम के ल्यूमेन में। देखो यहाँ पे आ गए, तो फॉर एग्जांपल मैं किसको लेके आ जाऊँ, ग्लूकोज को, ओके, इस ग्लूकोज को लेके चलाया। अब मैं बोलूंगा, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये ग्लूकोज यहाँ पे आ गया, ग्लूकोज को मैं जी से डिनोट कर रहा हूँ। मैंने बोला ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होना मतलब क्या है, ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होने का मतलब सेम है बेटा, कि ये ग्लूकोज क्या होगा, ये ग्लूकोज यहाँ से कहाँ चला जाएगा, इस ब्लड वेसल्स में। कहाँ पे चला जाएगा बताए, ब्लड वेसल्स में, ओके, आपको ध्यान देना है कि ग्लूकोज यहाँ से कहाँ पे जा रहा है, ब्लड वेसल्स में, ओके। तो अब सवाल ये उठता है कैसे जाएगा ब्लड वेसल्स में। देखो ये बगल में बनी हुई जो है, ये है ब्लड वेसल, राइट ना, ये है ब्लड वेसल, बीबी लिखा है, मतलब ये नहीं कि बीबी हो गई तुम्हारी, राइट, ये क्या होगा, ये होगा ब्लड वेसल। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आप समझ गए, ब्लड वेसल। तो ग्लूकोज कहाँ गया, ब्लड वेसल में ग्लूकोज जा चुका है। अब सवाल उठता है सर जा चुका है तो ये तो एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो गया। हाँ वही तो मुझे तुमको बताना है कि जब इस ग्लूकोज को, राइट, आप क्या करें, ल्यूमेन से कहां पे जा रहे हैं, ब्लड वेसल्स में, यानी कि ब्लड में, तब उसका एब्जॉर्प्शन कंप्लीट होता है। मगर सोचो कि कैसे, तो वही उसी लिए मैं यहाँ पे हूँ आपको बताने के लिए कि आखिर ये कैसे होता है, ठीक है। तो उसके बारे में हम यहाँ पे आपसे डिस्कस करते हैं। एक्चुअल में क्या है, देखो ये है म्यूकोसा, दिस वन इज द म्यूकोसा, और ये जितना भी ये क्या आपको दिख रहा है, ये है ब्लड वेसल, ओके। तो म्यूकोसा के बाद आता है सब म्यूकोसा, और आपको पता होना चाहिए सब म्यूकोसा में क्या होता है, ब्लड वेसल। इसका मतलब सपोज मुझे क्या करना है, मुझे एक लड़की से मिलने जाना है, मान लो ऐसा, मान लो राइट, अब मुझे लड़की से मिलने जाना है। अब लड़की से जब मैं मिलने जा रहा हूँ तो उसके घर में, उसके उसके घर के बीच में एक बैरियर है, ओके।
अब मुझे सिंपल सी बात है, मुझे उस बैरियर को पार करना पड़ेगा तभी जाके उस लड़की से मैं मिल पाऊंगा। अरे सर सीरियस मत लो यार, ये जरा अकेले अकेले मिल तो भाई क्या पूरा गाँव लेके जाऊँ, मगर मैं मिलने की बात को समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, समझो बात को मैं क्या कह रहा हूँ। ओके तो ये बातें हो गई, तो यहाँ पे ग्लूकोज कहाँ पे चला गया, ब्लड वेसल्स में चला गया, राइट। अब सवाल उठता है कैसे जाएगा, उसी के बारे में मुझे आपको यहाँ पे बताना है। तो देखो इसका मतलब ग्लूकोज को जो ब्लड वेसल्स में जाना है, और ब्लड वेसल्स किस में है, संयोगकोश में। तो ग्लूकोज जब भी ब्लड वेसल्स में जाएगा इसका मतलब उसको कहाँ पे जाना पड़ेगा, संयोगकोश में। तो सपोज दिस वन इज द संयोगकोश, ओके, एंड दिस वन इज द म्यूकोस, और ग्लूकोज कहाँ पे, एक मिनट, ग्लूकोज है यहाँ पे, ये ग्लूकोज यहाँ पे, देखो देखो मेरा हाथ दिख रहा है राइट, ये वाला उंगली दिख रही है उंगली, यहाँ पे भी। तो ग्लूकोज को 100% इस म्यूकोसा को, ये वाले म्यूकोसा को पार करके सब म्यूकोसा में जाना पड़ेगा, हाँ ना। तो बीच में एक्चुअल में क्या है, जो ये सेल्स है म्यूकोसा के सेल्स है, ये सेल्स में एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पे होता है सोडियम पोटेशियम पंप। तो देखो ऐसा पंप होता है सोडियम पोटेशियम पंप, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये देखिए आप, ये सोडियम पोटेशियम पंप है, ओके, ये रहा आपका सोडियम पोटेशियम पंप, ओके। अब मैंने बोला सपोज यहाँ पे कहीं सोडियम पोटेशियम पंप होगा, उसके बाद ये सब म्यूकोस आएगी, इसका मतलब इस सोडियम पोटेशियम पंप के एक साइड में कौन होगा, म्यूकोसा, और ये अगर इसको पार कर लिया जाए तो यहाँ पे कौन है, सब म्यूकोसा, राइट। तो यहाँ पे इसका मतलब म्यूकोसा में कौन है, म्यूकोसा में ग्लूकोज, कौन है, ग्लूकोज, मतलब म्यूकोसा के इधर, म्यूकोसा के इधर ल्यूमेन में। तो ये इस साइड क्या है, ये म्यूकोसा है और ये ल्यूमेन है, दैट इज द व्हाट, दैट इज व्हाट, ग्लूकोज। और यहाँ पे ये कौन है, इसी के बीच में कहीं, मतलब म्यूकोसा सब म्यूकोसा के बीच में कौन है, ये कौन दिख रहा है आपको, ये कौन दिख रहा है बताए, ये है आपका सोडियम पोटेशियम पंप, ओके। एक्चुअली बीच कहने का मतलब क्या है कि ये सेल्स में पाया जाता है, म्यूकोसल सेल्स में। अब देखो इससे सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू जो ये म्यूकोसल सेल्स में है, तो अगर इससे क्या होगा, ये ग्लूकोज जो है कहां पे चला जाएगा, सब म्यूकोसा में, राइट। तो मैं बस ये समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि ये बीच में है, राइट, जैसे मैंने बैरियर के लिए बताया था, राइट। तो ध्यान दो, ये सोडियम पोटेशियम पंप है, इस साइड में कौन था, इस साइड में ग्लूकोज, देखो यहाँ पे ल्यूमिन, सपोज यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप है तो इस साइड में कौन है, ग्लूकोज, राइट। और ये आपका क्या है, यहाँ पे ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल में कौन होता है बताए, ब्लड वेसल में बहता है ब्लड, ओके। तो यहाँ पे है सोडियम है, ओके, यहाँ तक समझा। अब देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे सोडियम है, ओके, ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से समझना। अब देखो सोडियम पोटेशियम पंप क्या होता है, सोडियम पोटेशियम पंप जो होता है ना, ये दो बोल सकते हैं, दो एलिमेंट्स के लिए ये परमिएबल होते हैं, राइट, किसके किसके लिए, सोडियम के लिए और पोटेशियम के लिए। तो हुआ क्या, मुझे सोडियम से मतलब है, यहाँ पे ध्यान से समझे, तो ये सोडियम इस साइड में है, यानी कि सब म्यूकोसा वाले साइड में है, और ये ग्लूकोज म्यूकोसा वाले साइड में, राइट। अब ग्लूकोज को कहा आना है, ग्लूकोज को आना है कहाँ पे, सब म्यूकोसा में, यानी कि इसमें क्या है, ब्लड वेसल। तो ये कैसे आएगा, तो एक्चुअल में होता क्या है, एक कहानी है इसके पीछे, कहानी ये है कि जो सोडियम होता है ना, ये ग्लूकोज से बड़ा प्यार कर रहा होता है, ओके। तो जब ग्लूकोज से प्यार करता है, तो एक जवानी में क्या होता है, ये सोडियम ग्लूकोज से बहुत बड़े बड़े वादे करता है और कहता है कि एक दिन मैं तुमको जो है अपनी माँ की बहू बनाऊंगा, बहू, माँ की बहू बनाऊंगा, राइट। तो ये आपको याद रखना, ये सोडियम ने वादे किया, किससे वादे किए सोडियम ने, सोडियम ने वादे किए किससे, ग्लूकोज से, कि मैं एक दिन तुमको अपने माँ की बहू बनाऊंगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, सोडियम और ग्लूकोज एक दूसरे से मिल गए, घूमते रहे इधर उधर, कभी जुहू गए, कभी पवई तालाब गए, ऐसे अलग अलग जगह पे, ये मुंबई से मैं हूँ, तो बेसिकली मैं मुंबई के जो स्पेसिफिक जोन है, राइट, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले, वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो क्या हुआ, ऐसे कंडीशन में क्या हुआ, ये ग्लूकोज था, ये सोडियम आयन था। अब ऐसे कंडीशन में क्या होता है ना, ये सोडियम आयन ग्लूकोज को भूल चुका है, एक समय वादा किया था सोडियम आयन ने ग्लूकोज से कि मैं तुमको बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमको अपनी माँ की बहू बनाऊंगा, ऐसा बोला था। तो ग्लूकोज तो इधर है, इनके बीच में कौन, ये सोडियम पोटेशियम पंप, तो ये बैरियर। अब ऐसे कंडीशन में क्या, ये ग्लूकोज चिल्ला चिल्ला कहती है, सोडियम अबे वो नल्ले सर, हमने आ रही तुझे, मेरे साथ पवई तालाब गया था, तू आज तो मुझे इग्नोर कर रहा है, भूल गया तू मुझे, तूने मुझे कहा था कि एक दिन मैं तुम्हें अपनी माँ की बहू बनाऊंगा, राइट, और तुमने क्या बनाया, बेवकूफ, राइट। तो सोडियम को ना, सोडियम कहता है हटा यार, इग्नोर करो, आपको तो कोई दिक्कत नहीं, मस्त लाइफ, राइट। ध्यान से समझे मैं क्या कहना चाहूँ। अच्छा ये सोडियम कहाँ पे, ये सोडियम एक्चुअल में इधर क्या है, ब्लड वेसल है, तो यहाँ पे क्या है, ब्लड है उसमें, अब ध्यान से, सोडियम ब्लड में जो है सोडियम वगैरह पाया जाता है, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ, तो ये सोडियम ने क्या किया, ध्यान से समझे, ये सोडियम ने क्या किया, ये सोडियम ये ग्लूकोज को अभी तक इग्नोर कर रहा था, राइट, मगर सोडियम को दिन याद आए, वो दिन जब ये सोडियम फंसा हुआ था बुरे कंडीशन में, तो उस ग्लूकोज ने उसका साथ दिया था। तो सोडियम ने सोचा कि चलो यार ग्लूकोज को ले ही आते हैं, अब इसको अपने माँ की बहू बनाई लेते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या हुआ, ये बीच में गेट था, दिस वन इज द गेट, दैट इज द सोडियम पोटेशियम पंप या गेट, ओके।
तो ये पंप जो है, ये पंप कैसे खुलता है? पैसा देके, और पैसा देके, क्यों? अगर इसको खोल दिया जाए तो ग्लूकोज तो इधर ही है, तो ये उधर चला जाएगा, हाँ या ना? अब ऐसे कंडीशन में क्या होगा, इसको पैसा दिया जाएगा, पैसा कौन देगा? सोडियम, राइट? नहीं, ये सोडियम पैसा देगा, मतलब सोडियम क्या किया, ऐसा पर्स निकाला, वॉलेट निकाला, वॉलेट निकाल के देखते हैं ग्लूकोज की फोटो आके अच्छी लग रही है, राइट? अब करण जली कहीं की, हाँ या ना? और तुरंत जो है 100 का नोट निकाला उसमें से और दिया इसको, पंप को। अब ये गेट खुल चुका है, ये गेट खुला, बताओ तो ये गेट खुला तो इधर कौन आ गया? सोडियम आयन, राइट ना? जब सोडियम आयन इधर आता है तो साथ साथ में पोटेशियम आयन इधर आता है, हाँ है ना? अब ध्यान से समझना, ये सोडियम आयन धीरे धीरे जब इधर जाएगा, राइट, आउटर साइड में जाएगा, तो ये क्या होगा, सोडियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, हाँ है ना? अब सोडियम आयन का कंसंट्रेशन गया बढ़, ध्यान से समझना, अब ये सोडियम आयन क्या करेगा, ये सोडियम आयन ग्लूकोज से मिलेगा, ग्लूकोज से ऐसा ग्लूकोज को चिल्ला के कहेगा, ग्लूकोज में आ गया रे, मैं सोडियम आ गया, राइट? तो ग्लूकोज भी कहेगी आ गए नल्ले, राइट, हाँ है ना? उसके बाद क्या होगा, ये सोडियम अब हाई कंसंट्रेशन में है, तो ये ग्लूकोज को इसे अपने साथ पकड़ेगा, और अपने साथ पकड़ के जो है कहाँ लेके चलाएगा, कहाँ लेके चलाएगा, बताओ 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 बताओ, कहाँ लेके चलाएगा? ब्लड में। कहाँ पे लेके चलाएगा बताओ? ब्लड में, हाँ ना? तो ग्लूकोज अब कहाँ पे आ गई? ब्लड में आ गई। इसका मतलब ब्लड में आ गई, इसका मतलब क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हुआ है, हाँ ना? समझा कि नहीं समझा? तो ये जो है सोडियम आयन के द्वारा ये यहाँ से यहाँ आई है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई है, ओके? तो ये ग्लूकोज को कौन लेके आया? सोडियम। मगर एक बात बताओ, कैसे लेके आया? पैसे देके। कैसे लेके आया? पैसे देके। यही तो बात है, यही बात है दोस्त, ध्यान से समझना, यही बात है कि पैसे देके आया, समझा? ये कॉन्सेप्ट समझिए। तो पैसे देके आया, इसका मतलब क्या है, ए, इसका जो एब्जॉर्प्शन हुआ वो कैसा हुआ? एक्टिव, यानी कि एटीपी के द्वारा, ओके? यहां तक समझ गए? तो ये तो था ग्लूकोज के बारे में, ओके? अब ध्यान से समझे, अब मैं बात करूंगा फ्रक्टोज के बारे में, क्योंकि मैंने हेडिंग डाल रखी कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन। तो फ्रक्टोज के बारे में बात करूं, तो ये फ्रक्टोज, सपोज दिस वन इज द फ्रक्टोज। अब इस फ्रक्टोज को भी कहां पे जाना है? इस फ्रक्टोज को जाना है ब्लड वेसल्स में। तो ये क्या करेगा, अब ये ना इस ये सोडियम पोटेशियम पंप का सहारा बिल्कुल भी नहीं लेता, ये क्या करता है, ये एक बार बताओ, यहाँ पे म्यूकोसल सेल्स है, राइट? म्यूकोसल एपिथेलियम है, ये म्यूकोसा है ना, तो यहाँ पे बहुत सारे सेल्स है, हाँ है ना? तो अब ये कह रहे हैं कि देखो, अगर ये म्यूकोसा है, सपोज दिस वन इज द म्यूकोसा, दिख ही नहीं रहा, अच्छा ये म्यूकोसा है, ऐसा ये म्यूकोसा है, ओके? और यहाँ पे ये कौन है? फ्रक्टोज। अब ये फ्रक्टोज कह रहा है कि देखो, मैं इसके इसके सेल्स को अगर किसी भी तरीके से पार कर रहा हूं, तो मैं अपने आप सब म्यूकोसा में आ जाऊंगी, हाँ है ना? मुझे क्या जरूरत है पैसे खर्च करने की, राइट? क्यों मुझे क्या जरूरत है एटीपी खर्च करने की, हाँ है ना? ये देखो, ये एटीपी है बेटा, ओके? समझ रहे हैं? तो क्या हुआ, ये क्या कर रहा है कि ये म्यूकोसा की जो सेल्स है, मैं सेल्स बनाता हूँ, और ये जो सेल्स है, अच्छा तो हर सेल्स में क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन बना रहा हूं, देखो ये सेल मेम्ब्रेन है, हाँ है ना? ओके, ये सेल मेम्ब्रेन थे। अब इस सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है ऐसा टनल प्रोटीन या इंट्रिंसिक प्रोटीन, राइट? ये आपको याद रखना, टनल प्रोटीन या इंट्रिंसिक प्रोटीन, ये दिख रहे हैं। अब यहां पे मैं आपसे बात करूं, तो यहां पे पाए जाते हैं बहुत सारे कैरियर्स, देखिए बहुत सारे कैरियर्स, ये कैरियर्स हैं, ओके? ध्यान से समझना। अब यहां पे क्या हुआ, इस साइड में ये बताओ, ये पूरा सेल, तो सपोज ये सेल है, ये दिख रहा होगा आपको, ये सेल है, तो ये सेल का सेल मेम्ब्रेन है। अब सिंपल सी बात है, सपोज फ्रक्टोज इधर है, तो ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके इधर आ जाएगा ना। अब सॉल्व होता है, मगर कैसे? अब एक थ्योरी है, लाइक डिजॉल्व लाइक, मतलब चोर चोर के साथ रहेगा, पुलिस पुलिस के साथ रहेगा, हाँ है ना? सर आप सर ये गलत बोल रहे, पुलिस तो चोर के साथ रहता है, अरे वो अलग है, छोड़ दो यार, राइट? मगर चोर के चोर चोर के साथ रहेगा, पुलिस पुलिस के साथ रहेगा, डॉक्टर डॉक्टर के साथ रहेगा, इंजीनियर इंजीनियर के साथ रहेगा, बात सही ना? तो लाइक डिजॉल्व लाइक वाला कॉन्सेप्ट समझे आप, लाइक डिजॉल्व लाइक। तो सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि एक बार बताओ, हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है, राइट, सेल मेम्ब्रेन जो है वो किसका बना होता है? फॉस्फोलिपिड्स का। और फ्रक्टोज क्या है? फ्रक्टोज है कार्बोहाइड्रेट। तो बताओ, क्या ये कार्बोहाइड्रेट कभी लिपिड को क्रॉस कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, ऐसे कंडीशन में यहाँ पे ना सरफेस पे जिनको मैं कैरियर बोल रहा हूँ, वो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं, ओके? और इस साइड में इसका मतलब ये सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल मेम्ब्रेन के बाहर कौन है? फ्रक्टोज। तो मैं यहाँ पे कहीं फ्रक्टोज को रख दे रहा हूँ, ये दिख रहे हो, देख रहे हो आप, ये फ्रक्टोज है, राइट? अब ये फ्रक्टोज है और ये रहा कैरियर प्रोटीन, देखो। तो ये कैसा है ये फ्रक्टोज ना, अब ठीक वैसे एक कहानी की तरह ये भी है कि फ्रक्टोज एक लड़की की तरह है, राइट? और उसको एक बिल्डिंग की लड़की उसकी फ्रेंड रहती, राइट? और वो बुलाती कहती घर पे कोई नहीं, आओ लूडो खेलते हैं लूडो, राइट? देखा ना, कभी पता नहीं तो रहता कौन जीतेगा कौन जीतेगा, लास्ट तक कुछ भी तुम्हारा ऐसा लास्ट की एक गोटी आके लास्ट पे ऐसा एक पे बैठ जाती है और एक तुम्हारा आता ही नहीं, पता चलता है दूसरा बंदा जीत गया, बड़ा कॉन्फिडेंस में आता है, राइट? तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ फ्रक्टोज के बारे में, तो ये फ्रक्टोज रहा, ओके? तो दिस वन इज द फ्रक्टोज।
और ये कौन है, ये है कैरियर प्रोटीन। अब ऐसे कंडीशन में क्या हो गया, ये फ्रक्टोज और कैरियर प्रोटीन ये दोनों आपस में है, मतलब अभी बताओ इसको जो है इस फ्रक्टोज को कहाँ जाना है, लड़की से मिलना है उसके बिल्डिंग में। अब बिल्डिंग में क्या होगा, बिल्डिंग में वॉचमैन रहते हैं राइट, तो वॉचमैन कौन है, ये कैरियर प्रोटीन। ओके ध्यान समझना, अब क्या होगा ये जो कैरियर प्रोटीन जिसको मैं एक्सटेंसिव प्रोटीन जो है उसको मैं कैरियर प्रोटीन यहाँ पे बोल रहा हूँ, ये क्या होगा, ये वॉचमैन की तरह है और फ्रक्टोज एक लड़के की तरह है। तो लड़का जब अंदर जाना चाहेगा तो वॉचमैन उससे पूछेगा कौन हो तुम, कहाँ जा रहे हो, कौन से रूम में जा रहे हैं, हाँ है ना। तो ऐसे कंडीशन में पकड़ा जाएगा लड़का। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि ये फ्रक्टोज जो है, फ्रक्टोज के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये फ्रक्टोज यानी कि लड़का ये कैरियर प्रोटीन यानी कि वॉचमैन से व्यवहार बनाता है, कहता है चाचा क्या हाल है, अरे कौन सा जिला, हाँ ना, जिला विला पूछ के एकदम चाचा बना लेता है, एकदम हो गया, खाई नहीं मल रहे होते, एकदम व्यवहार हो जा रहा है, थोड़ा हमको भी दो हमको भी खिलाओ, हाँ ना, एकदम व्यवहार हो गया मस्त। यानी कि फ्रक्टोज ने इस कैरियर प्रोटीन को पटा लिया, मतलब लड़के ने इस कैरियर प्रोटीन को पटा लिया। अब क्या होगा, अब ये चाचा, चाचा मतलब समझ लो वॉचमैन, यानी कि ये कैरियर प्रोटीन ये क्वेश्चन पूछेगा, किससे क्वेश्चन पूछेगा, ये क्वेश्चन पूछेगा इसे फ्रक्टोज से, बताओ बेटा यहाँ पे क्या क्या कर रहे हो यहाँ पे, तो ये बताएगा सारा कारण कि चाचा लड़की से मिलने जाने। तो कहेगा देखो अगर मैं तुमको डायरेक्ट सीढ़ी से लेके जाऊंगा तो सीसीटीवी में मामला आ जाएगा राइट, लड़की मम्मी पापा आएंगे बाद में आएंगे पकड़े जाएंगे, तो मैं तुमको एक टनल से लेके जाता हूँ। तो टनल से लेके ये फ्रक्टोज इस कैरियर प्रोटीन के द्वारा इस टनल प्रोटीन से होता हुआ सेल को क्रॉस कर जाता है, समझ में आया ना, हाँ है ना, और फिर वो कहाँ पहुंच जाएगा, ब्लड में। ओके तो उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे। ओके तो बताओ यहाँ पे ये जो फ्रक्टोज है किसी के द्वारा ब्लड तक गया ना, किसके द्वारा गया, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन या कैरियर प्रोटीन के द्वारा। अब बताओ क्या चाचा ने कोई पैसा लिया, नहीं बिल्कुल कोई पैसा नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट, हाँ क्योंकि जान पहचान थी। तो उसको बोलते हैं डिफ्यूजन, मगर ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बेसिस पर नहीं है, ये एक्चुअल में किसी के द्वारा फैसिलिटेट किया जा रहा है, समझा, किसी के द्वारा ये जा रहा है। तो किसके द्वारा जा रहा है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन के द्वारा, और ये ऑलरेडी टनल प्रोटीन भी एक प्रोटीन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ ना। तो इस एक्सट्रिंसिक प्रोटीन के द्वारा फ्रक्टोज जो है ब्लड में गया, ये आपको याद रखना है। तो कौन सा डिफ्यूजन होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब सवाल उठता है डिफ्यूजन है, और डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, डिफ्यूजन का मतलब एब्जॉर्प्शन जो होगा वो कैसा होगा, पैसिव, तो यहाँ पे पैसिव लिख देता हूँ मैं। ओके तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ओके अब ध्यान से समझते हैं, आगे चलते हैं और बात करते हैं। अब देखो बचा कौन सा, प्रोटीन, तो प्रोटीन का जो एब्जॉर्प्शन, अच्छा साथ ही साथ में गैलेक्टोज, गैलेक्टोज का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो मैं बात करूँ तो वो भी एक्टिव होता है, मैं लिख नहीं रहा हूँ उसके बारे में ज्यादा पूछता नहीं। अब प्रोटीन पे आते हैं, तो प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन की सिंपल यूनिट क्या होती है, अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड्स के फॉर्म में इसका भी एब्जॉर्प्शन होगा, तो ये सब कुछ करो ये अमाइनो एसिड्स है, तो ये भी कैसा होगा, ये एक्टिव एब्जॉर्प्शन होगा, एक्टिव, इसका एक्टिव एब्जॉर्प्शन होगा, मतलब कैसा, सेम ऐसा सोडियम पोटेशियम पंप का यूज करके। ओके तो ये मैंने आपको बताया कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के बारे में राइट। तो आपको उम्मीद करता हूँ ये पूरा समझ में आएगा। देखो अगर तुमको समझ में आ रहा है ना तो सब्सक्राइब जरूर कर लो चैनल को यार राइट, क्योंकि ऐसी वीडियोस में लाता रहूंगा और अभी और इंटरेस्टिंग वीडियोस आती रहेंगी मेरी, हाँ। और जरूर अगर वीडियो को देख रहे हैं पूरा वॉच कर रहे हैं तो मुझे एक टॉपिक दे के जाया करो कि सर ये टॉपिक भी आप पढ़ा दो राइट, तो उससे क्या होगा मुझे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि ओके आप ये बोल रहे हो और साथ ही साथ में आपको भी थोड़ा फायदा हो जाएगा। ओके तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा है, बस समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट और लाइक ठोक दो यार। अगर समझ में नहीं आ रहा तो बिल्कुल भी सब्सक्राइब मत करो, मैं बिल्कुल ये बोलो, मगर समझ में आ रहा है तो जरूर सब्सक्राइब करें। ओके थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, शुक्रिया।